अब कैटेगरी वाइज तय होगी कॉन्ट्रैक्ट की सैलरी। पे मैट्रिक्स के 60% फॉर्मूले को कैबिनेट ने बदला। वेतन अवधि पर जारी होंगी अलग अलग अधिसूचनाएं। हिमाचल में अनुबंध की नौकरी का वेतन अभी फिक्स नहीं होगा। कैबिनेट की पिछली बैठक में इस फॉर्मूले को बदल दिया गया है। अब कॉन्ट्रैक्ट की सेवा का वेतन कैटेगरी वाइज अलग अलग तय होगा, यानी जिन कैटेगरी में उपलब्ध मैन पावर कम है और डिमांड ज़्यादा है उनकी ज़्यादा सैलरी होगी। जिन कैटेगरी में उपलब्ध मैन पावर ज़्यादा है और डिमांड कम है उनकी सैलरी कम होगी। उदाहरण के तौर पर ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट जैसे तकनीकी भर्तियों के विज्ञापन कई बार इसलिए खाली चले जाते हैं क्योंकि अनुबंध की नौकरी में पैसा कम होने के कारण लोग आना नहीं चाहते, जबकि निजी अस्पताल या संस्थान अच्छा वेतन देते हैं। 13 अप्रैल को हुई बैठक की मंत्रिमंडल में कॉन्ट्रैक्चुअल के लिए रूल्स 15A में बदलाव किया गया है। मंत्रिमंडल ने निर्धारित वेतन पर भर्ती के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम के नियम 4 एवं नियम 15A के अंतर्गत उपयुक्त संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसमें प्रावधान था कि कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को उसके रेगुलर पे मैट्रिक्स का 60% वेतन मिलेगा। अब इसकी जगह संशोधन किया गया है कि वेतन और सेवा की अवधि को राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अलग से अधिसूचित किया जाएगा। इस फैसले के बाद अनुबंध सेवा की अवधि को लेकर कार्मिक विभाग में फाइल चली है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट के वेतन को लेकर वित्त विभाग में काम चल रहा है। इन नियमों में बदलाव पर लोक सेवा आयोग से भी राय ली जाएगी और फिर विधि विभाग से फाइल क्लियर होने के बाद फिर सभी महकमे अपने यहाँ संशोधन करेंगे। इसी प्रक्रिया के कारण लोक सेवा आयोग क्लास 3 की भर्तियों में मामले में भर्ती विज्ञापन जारी नहीं कर रहा। राज्य सरकार नए नियमों से ही भर्ती करना चाहती है, इसलिए नई भर्ती विज्ञापन में अभी थोड़ा इंतज़ार करना होगा। रेगुलाइजेशन पर सरकार के फैसले का इंतजार है। राज्य सरकार ने 31 मार्च को अनुबंध अवधि के 2 साल पूरे हो चुके कर्मचारियों को अभी रेगुलर नहीं किया है। ये कर्मचारी इस आदेश का इंतज़ार कर रहे हैं।